Hey friends, what's up? Hope you are all good. So welcome back to my channel. Here I am with a new motovlog for you, and today we are heading towards the Peacock Valley, which is located at Cuttack. So abhi time ho raha hai 5:05 AM. मैं 15 मिनट लेट हो गया हूँ अकॉर्डिंग टू द प्लान. मेरे को 4:45 या फिर 4:50 के अंदर ही निकल जाना चाहिए था. सो वी आर मतलब मेरे साथ दो लोग और भी जा रहे हैं. वन इज़ साजिद भाई एंड अदर इज़ अरुण. तो उनको बोला था मैंने कि मैं 5:15 के आसपास पहुँच जाऊँगा बारंग स्क्वायर में, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ. सो वो शायद थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे मेरे से वहाँ पे. सो वी हैव डिसाइडेड फॉर हैविंग ए कप ऑफ टी एट बारंग स्क्वायर, देन वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स पीकॉक वैली. तो उसके बाद हम साथ में पीकॉक वैली राइड पे राइड करेंगे. तो अभी चलते हुए हम मैं यहाँ अभी कलिंग स्टूडियो स्क्वायर से चंदा का जो बारंगा रोड जाता है वहीं पर ट्रैवल कर रहा हूँ. तो जितना मैंने सुना है कि पीकॉक वैली के बारे में मतलब फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड अदर सोशल मीडिया, तो यहाँ पे जाने के लिए दो टाइमिंग्स होते हैं. वन इज़ एट मॉर्निंग एंड अनदर इज़ एट द आफ्टरनून टाइम. मॉर्निंग में 5:30 से 7 तक पिकअप्स वहाँ पे आते हैं, एंड एट आफ्टरनून ऑल्सो 1-2 आवर, लाइक एट 3-5 इन बिटवीन. मेरे को ठीक से पता नहीं है, बस मेरे को मतलब थोड़ा नॉलेज है उसी के हिसाब से मैंने सोचा कि मॉर्निंग में ही चलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा अच्छा व्यू आएगा. और राइड करने के लिए मतलब जितना भी जहाँ भी राइड करो वो मज़ा मॉर्निंग के राइड मतलब सुबह सुबह राइड करने में आता है ना, वो तो मतलब किसी मतलब शाम को या फिर आफ्टरनून को नहीं आता, क्योंकि जो सुबह सुबह का हवा होता है वो मतलब बॉडी को एकदम फ्रेश कर देता है. तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मॉर्निंग में चलने के लिए. तो लास्ट नाइट ही मैंने भाई को कॉल किया था कि चलें क्या पीकॉक वैली. तो उन्होंने वो भी मतलब पहले कभी गए नहीं हैं, तो वो उन्होंने भी मेरे साथ जाने के लिए हाँ बोल दिया. तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ बारंग स्क्वायर, एंड मेरा बात हुआ था साजिद भाई से दैट ही विल बी देयर एट द लेवल क्रॉसिंग हैविंग ए कप ऑफ टी. एंड यस हियर इट इज़, ये यहाँ पे. भाई थोड़ा लेट हो गया, सॉरी. है ही इज़ अरुण. तो अभी चाय पियेंगे यहाँ पे. जो आदित्य भाई तो हाँ जान ली जान. कितने बड़े बाहर लो? अब चलो पहले, मैं पीछे पीछे चलता हूँ. तो अभी हमारा चाय ख़त्म हो चुका है, एंड अभी हम साथ में राइड करेंगे चार लोग. टू ऑफ द आर इन द फ्रंट यू कैन सी, एंड मेरे साथ मेरा कज़िन है. सो यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे कैनल रूट की तरह. मैं भी बहुत बार सुन चुका हूँ कि मेरे दोस्तों से कि पीकॉक वैली इज़ अ गुड प्लेस, ए मस्ट विजिट प्लेस. सो आज भी मैंने भी फ़ोटोज़ वगैरह पीकॉक्स देखने के लिए, तो वो देख के तो कोई भी खुश हो जाएगा. तो इसलिए मैं भी आज निकल आया. तो वहाँ पे हम जाएंगे, फ़ोटोज़ खींचेंगे, शूट्स करेंगे कुछ, फिर आपको सब कुछ दिखाएंगे. और फ़ोटोज़ देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर सकते हो, एंड माई इंस्टाग्राम आई डी इज़ सेम एज माई यूट्यूब चैनल नेम, दैट इज़ नंदू NKB. और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा. सो स्टे अपडेटेड विथ मी. और मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट डालते रहता हूँ अगर मैं किसी नए जगह पे ट्रैवल करता हूँ. तो सो डू
ଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ लो भाई पहुंच गए पिकअप वैली पे। अरे ये क्या, यहाँ पे तो बहुत ही कम पिकअप्स हैं। क्या हो गया, कहाँ गए आज? तो देयर इज वन पर्सन, लेट्स गो एंड टॉक टू हिम। पहुंच चुके हैं पिकअप वैली पे एंड अभी थोड़े कम पिकअप है, टाइम होने के बाद ज़्यादा और भी आएंगे। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ सादित भाई है और मेरा कज़िन देबू है एंड और एक छोटा भैया है। सो अभी यहाँ पे एक और हम कह सकते हैं जैसे पिकअप मैन भी है, तो चलिए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो कैसे ये सब हैंडल करते हैं, कैसे पिकअप्स को बुलाते हैं एंड उनको खाना खिलाते हैं। तो भैया आप कैसे ये सब मैनेज करते हो, हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए। हाँ देखिए, 99 से शुरू हुआ था सिलसिला, पहले मैं नहीं, दादाजी करते थे जी। उस टाइम में लगभग 99 सुपर सेकंड के बाद तीन मोड यहाँ पर रोक कर चले गए थे। उस टाइम में दादाजी यहाँ के पुलिस का फायरिंग ट्रेनिंग मिल रहे, यहाँ पर दादाजी गार्ड कंट्रीब्यूट करते थे। उस टाइम में देखे कि तीन पिकअप, दो पीएम थे और एक पिकअप थे, तीन पिकअप वहाँ पर घूम रहे थे। वो जो खाना खा रहे थे, कुछ खाना रहने दिए उनके लिए। तो थोड़े दिन के बाद देखे कि कुछ पिकअप पहले से आकर वेट किए थे खाना खाने के लिए। तो उस टाइम से वो लोग दादाजी उन लोग को हर दिन खाना देते थे। सो कुछ दिन के बाद, जब दो साल के बाद देखे कि एक पीएन दो बच्चे ने कराया, तो उनका थोड़ा खुशी और दुगना हो गया। उसके बाद वो खाना देते चले तो उनका नंबर भी इंक्रीज होता गया। और दादाजी गुजर गए मेरा 26 2017 में, तो तभी से लगभग चार चंद हो गए। चार चंद से भी मैं खाना देता हूँ। अभी पिकअप खाने में तीन पिकअप से शुरू हुआ था, अभी लगभग 132 से ज़्यादा पिकअप यहाँ पर आ गए खाना खाने। कुछ पिकअप का पिकअप खाना खा कर गए, और भी थोड़ा पिकअप नहीं आए, लगभग 30 से 40 पिकअप और भी आएंगे। अभी 8:30 7:30 टाइम है, तो उसके अंदर वो आ जाएंगे खाना खाने के। और अभी सुबह कितने से कितने बजे तक खाना? देखिए सुबह 5:30 से 7:30 तक हमारा टाइम है, और इवनिंग में 3:30 से अभी तो 3:30 में 5:30 है। जब धूप शुरू हो जाएगा, अभी धूप थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, तो धूप शुरू हो जाएगा 4 बजे टाइम दिया जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि लोग 3:30 बजे धूप की वजह से आ नहीं पाएंगे, लेकिन 4 बजे उनके लिए टाइम है शूटिंग टाइम। तो अभी तो उनके दोनों टाइम खाना मैंने कल करीब 500 से 600 रुपीज़ में स्पेंड करता हूँ खाने के लिए। जो लोग आते देखने के लिए उनको बुलाया जाता है कि मोर खाने के लिए डोनेट कीजिए, जो जिसका मर्जी, कोई फोर्स नहीं है। अब आएंगे तो देना पड़ेगा आपको खाने के लिए, तो जिसका मर्जी, जो जिसका। आप अकेले ये सब मैनेज करते हो? जी अकेले ही मैनेज करते हो, लोगों को आते देखने के डोनेट करते, लोगों के पैसे गए और लोगों के हेल्प्स और जो सेटिस्फेक्शन होता है देखने के बाद, और जो हेल्प करते हैं उस पर जन्म खाना जाता है। इतना ही दुख लगता है क्योंकि जो सभी लोग आते हैं, 100 से 500 को देते थे, 95% चले जाते हैं। मेरा हिसाब से 1 रुपये भी शायद हो, 9:30 को देंगे तो जमा करेंगे तो उनको हर रोज का खाना खाने सुटेबल होगा, सफिशन भी होगा। थैंक यू भैया। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आपको मिलता है? अभी तक तो नहीं है, एज अ पुलिस डिपार्टमेंट का फाइन। तो जैसे कि देखा आपने कि भाई यहाँ पे 5:30 से 7 बजे तक आते हैं हमारे मतलब पिकॉक्स, और शाम को आफ्टरनून में 3:30 से 5 PM तक। एंड अभी जैसे कि आपने सुना कि भैया ने बोला कि वो अकेले ही ये सब मैनेज करते हैं एंड उनको मतलब यहाँ पे जो भी सारे देखने आते पिकॉक्स, तो उनको कुछ ना कुछ ज़रूर डोनेट कीजिएगा, चाहे वो 1 रुपया हो या 10 रुपया। सो इनसे उनको हेल्प मिलता है ताकि वो अच्छे से पिकॉक का ध्यान रख सके। तो चलिए देखते हैं कुछ शॉर्ट्स पिकॉक वैली के।